क्या हुआ, आज बड़े परेशान लग रहे हो? अरे नौकरी चली गई है मेरी और दूसरी मिल नहीं रही है, तो परेशान तो होऊंगा ना। ऊपर से वो लोन, उसका भरने का भी टाइम आ गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मिल जाएगी नई नौकरी भी, और वैसे भी तुम्हारी पुरानी नौकरी से तुम्हें जितने पैसे मिलते थे उससे कहाँ कुछ हो पाता था। एनीवेज मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं है। अरे मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैं पिछले 5 साल से देखती ही आ रही हूँ, पर क्या कभी तुमने देखा कि मेरी खुशी क्या है? मेरी खुशी का, मेरी जरूरत का कभी ख्याल आया तुम्हें? आज देर हो गई आपको आने में? आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, बहुत थक गया हूँ यार। तो मैं आपकी थकान उतार दूँ? आज रहने देते हैं, सचमुच बहुत थक गया। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? दिखाओ। अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? किस चीज की दवा है ये? अरे वो सब छोड़िए ना, आप इसे खा लीजिए। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें यहाँ आए कितने दिन ही हुए, कहाँ से मिल गया तुम्हें ये? मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप इसे खाइए तो सही, देखिए सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मुझे बिना बताए ये सब लाने बाहर गई थी ना? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा ऐसी गलती मत करना। अनिल, अनिल उठिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूं। अब हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता ना? देखो बबली, मैं पहले से ही बहुत अपसेट हूं। मैं सुबह सुबह तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, प्लीज। जैसा हमारे बीच चल रहा है ऐसे में हमारे रोज ही झगड़े होंगे। बहुत बोलने लगी हो आजकल, अब चुप ही हो जाओ। फेंक दो सब कुछ, फेंक के तोड़ के खराब कर दो। 5 साल हो चुके हमारी शादी को और इन 5 सालों में तुमने मुझे एक भी खुशी के पल नहीं दिए हैं। अरे कब तक सिर्फ मैं ही तुम्हें समझाती रहूंगी? तुम खुद नहीं समझ सकते क्या? अरे जब तुमसे कुछ हो नहीं सकता था तो क्यों की तुमने मुझसे दोबारा शादी?
शादी के पहले कितने सपने दिखाए थे कि मेरे लिए ब्यूटी पार्लर ओपन करवाओगे, मुझे पलकों पे बिठा के रखोगे, और आप न मेरे सपने पूरे कर पा रहे हो, ना ही मुझे खुशी दे पा रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया तुमने। जी कहिए, किससे मिलना है? जी मैं राजेश, आपने इंटरनेट पे डाला था ना पीजी के लिए। अच्छा हाँ हाँ, आइए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। बबली, बबली जी, आप कौन? ये राजेश जी हैं, रूम देखने आए हैं, हमने डाला था ना नेट पे रूम के लिए। ओ हाँ हाँ, आप इन्हें तुम सब कुछ अच्छी तरह समझा देना। देखो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। आइए, ये देखिए, ये है कमरा। कैसा लगा कमरा? अच्छा। तो आपको कब से शिफ्ट होना है? आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही मैं सामान लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं शाम को अग्रीमेंट करा लूंगी और आप एडवांस दे दीजिएगा। जी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जी जी। वाह, क्या मालकिन मिली है यार, इसको कब्जे में ले लिया तो मजा ही आ जाएगा, कितनी खूबसूरत है। हेलो, अरे भाई तू रहने दे, तेरे पास लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं लड़की रिपीट नहीं करता। तूने जो लड़की भेजा है ना, उसके साथ हमने परसों रात बिताई थी। नई लड़की है तो भेज, वरना फोन रख। ताजा माल है क्या तेरे पास? तो भेज, ठीक है? भेज जल्दी। लड़कियां तो बहुत मिली, पर बहुत दिनों बाद ऐसी लड़की मिली है जिसको देख के कुछ हो रहा है। इसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूं मैं, इसको तो मैं पाके ही रहूंगा।
राजेश जी, दरअसल मैं चाय बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं चाय। बैठिए ना, बैठिए ना। हाँ, चाय। हाँ, आइए बैठिए। वैसे आप करते क्या है? मैं बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा। और अभी अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। सिर्फ हाउसवाइफ? जी। आप कोई बिजनेस नहीं करती हैं? दरअसल मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती थी, मैं पार्लर ओपन करना चाहती थी, पर मुझे लोन ही नहीं मिला। आप मुझे बैंक से लोन दिलवाएंगे? अरे बिल्कुल, मैं आपका लोन करवाऊंगा, मैं आपका गेस्ट हूँ। पूरे पेपर्स नहीं होने के कारण ना बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया था। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं आपका लोन करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ दीपा। नहीं यार, मैं थोड़ा सा ना घर के कामों में बिजी थी तो इसलिए नहीं आ पाई। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही है, तेरे लिए तो टाइम ही टाइम है। हाँ हाँ, मिलते हैं ना एक दो दिन में। अरे कैसी बातें कर रही है, थोड़ा सा काम से फ्री हो जाऊँ, समझ यार। ओह कितना तरपाएगी ये लड़की, अब तो रहा भी नहीं जा रहा है इसके बिना। बबली, अब मुझे माफ कर दो, कल सुबह मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, प्लीज तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बबली जी। हाँ, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, दरअसल वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। सॉरी, वो क्या है कि मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली है, तो दोस्तों के यहाँ पार्टी था तो उन लोगों ने पिला दिया, सॉरी। कोई बात नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? मैंने ड्रिंक कर रखी है। नहीं, आपके पीने से मुझे क्यों बुरा लगेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ सोने के लिए। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा राजेश, कुछ करना पड़ेगा अभी ही। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आइए मैं आपके उठने में हेल्प करती हूँ। थैंक यू। क्या है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिएगा? हाँ आइए मैं आपके हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। प्लीज पब्लिश, ये क्या कर रहे हैं आप? पब्लिश प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे मत रोकिए। जब से आपको देखा आपसे प्यार हो गया पब्लिश। प्लीज मैं पागल हो गया हूँ आपके प्यार में। प्लीज पब्लिश मुझे मत रोकिए। प्लीज प्लीज पब्लिश आइए आइए आइए, मुझे मत रोकिए। पब्लिश के लिए प्लीज पब्लिश पब्लिश प्लीज पब्लिश। पब्लिक जी यही तो चाहता था मैं। पब्लिक जी मेरे बहु माँ जी, मेरे बहु माँ जी, पब्लिक जी, पब्लिक जी, पब्लिक जी मेरे बहु माँ जी, पब्लिक जी मेरे बहु माँ जी। हाँ यार, तूने सच कहा था, ये राजेश तो मेरा दीवाना बन गया है। इसने लोन भी पास करा दिया और रोज तरह तरह के गिफ्ट्स भी दिलाता रहता है। हाँ हाँ बाबा मुझे पता है। और तू क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की सोचती है क्या? तो फिर अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। क्या हुआ, आज बड़े परेशान लग रहे हो? अरे नौकरी चली गई है मेरी और दूसरी मिल नहीं रही है, तो परेशान तो होऊंगा ना। ऊपर से वो लोन उसका भरने का भी टाइम आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मिल जाएगी नई नौकरी भी, और वैसे भी तुम्हारी पुरानी नौकरी से तुम्हें जितने पैसे मिलते थे उससे कहां कुछ हो पाता था। एनीवेज मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हारे रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं है। अरे मैं यहां इतना परेशान हूं और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना और वापस रात को लेट आना, चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? चल क्या रहा है मतलब? एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बाहर किसी के साथ? छी, तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सोच घटिया नहीं है, जो मुझे दिख रहा है मैं तुमसे वही बातें कर रहा हूं, और तुम्हें नहीं दिख रहा मैं कितना परेशान हूं, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं। तुम पत्नी हो ना मेरी, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है मेरा? ख्याल? तुम ख्याल की बात ना ही करो तो ही बेहतर होगा। और रही बात सिचुएशन देखने की, मुझे सब दिख रहा है। मैं पिछले 5 साल से देखती ही आ रही हूँ, पर क्या कभी तुमने देखा कि मेरी खुशी क्या है? मेरी खुशी का, मेरी जरूरत का कभी ख्याल आया तुम्हें? नहीं, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ बाहर। हाँ जा, 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 चली जाओ। हाँ हाँ आइए आइए, कहाँ रहते हैं आप, दिखते ही नहीं। हम एक घर में ही रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। क्या है अनिल जी, नौकरी वाला आदमी हूँ, सुबह काम पे जाता हूँ, रात में काम पे आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, इसलिए आपसे मिल नहीं पाता। हाँ सो तो है। चलिए अभी मैं थक गया हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट। हाँ बबली, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। एक्चुअली नौकरी के सिलसिले में मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं सोचा पहले तुम आ जाओ, मैं बता दूँ फिर मैं जाऊँ। ठीक है।
यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे प्यार करने आया हूँ। हाँ देखो तुम्हारा पति बाहर गया हुआ है, अब तुम्हें डरने का या छुप छुप के हम दोनों को मिलने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आ जाओ। नहीं दूर रहो मुझसे, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मुझसे पैसा लेना अच्छा लगता है, मुझसे गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, मेरा साथ अच्छा लगता है। नहीं नहीं तुम दूर रहो मुझसे, देखो ये समय सही नहीं है, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। हम बाद में बात करते हैं, हम कल मिलते हैं। तुमको मैं चूतिया लग रहा हूँ? मेरे सर पर चूतिया लिखा है? मुझसे गिफ्ट लेने, मुझसे पैसे लेने में तो तुमको बहुत अच्छा लगता था, मुझसे अपना लोन पास करवाई तब तो बहुत अच्छा लगता था, और अभी अभी तुमको बुरा लग रहा है, डर लग रहा है और बोल रही हो जाओ। मुझे पता था कि तुम मुझे चूतिया बना रही हो, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी मैं सब सब सहता रहा, लेकिन नहीं, आज हिसाब बराबर करूंगा तुम्हारे साथ, हिसाब बराबर करूंगा। अच्छा नहीं तुम तो हैरान हो रही हो ना कि मैं यहाँ कैसे? शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले हो गया था, मैं बस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ बाहर। हाँ जहाँ जाना चली जाओ, मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी नौकरी भी चली गई है। एक बात समझ नहीं, जब मैं इसे पैसे नहीं दे रहा तो इसके पास पैसे आ कहां से रहे? रोज नए नए गिफ्ट लेकर आती है, किटी पार्टी करती है, रोज जल्दी जाती है, रात को लेट आती है, आखिर ये चक्कर क्या है? जरूर इसका किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये कहां जाती है, कहां आती है, किसे मिलती है, इसका पता मैं लगा कर रहा हूं। जरूर दाल में कुछ निकाला, जरूर दाल में कुछ निकाला है, पता मैं इसका पता मिला। कितना प्यार करता था मैं तुमसे, और उसके बदले तुमने मुझे यह सिला दिया। मुझे माफ कर दो इन्हें, पर मेरा यकीन करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस बहक गई थी, इसके पैसों के लालच में आ गई थी। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वाह, इतना कुछ करने के बाद कह रही हो कुछ नहीं किया? सिर्फ किसी के साथ सोना ही गलत नहीं होता, किसी के दिल को तोड़ना, उसके विश्वास की हत्या करना भी गलत होता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अने मुझे माफ कर दो, अने मुझे माफ कर दो।